हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं स्पेशल चीज़ जा रही हूँ बनाने, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देते हैं। अगर आपके घर में थोड़ा भी सामान है ना, तो आप इसको बहुत आराम से बना सकते हो और ब्रेकफास्ट शाम के ब्रंच में बहुत आराम से बना सकते हो। और ये फरमाइश थी आकाश की। आकाश ने फ़ोन किया कि मौसी प्लीज़ मेरे लिए बना दो, तो मैंने कहा कि चलो बनाते हैं। बहुत दिनों बाद उसने कुछ कहा है मुझसे। सब चीज़ को जानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मेरी फेवरेट जगह यानी किचन में। तो चलिए चलते हैं किचन में। सबसे पहले हमें लेना है पानी। मैंने 2 ग्लास लगभग पानी ले रखा है, आप देख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना बना रहे हो, कितने लोगों के लिए बना रहे हो, तो उस हिसाब से हमें पानी लेना है। और पानी में हमें डालना है नींबू। तो ये देखिए, मैं खुद शूट कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। 1 नींबू लिया है मैंने 2 ग्लास पानी में, 2 ग्लास पानी है। तो ये देखिए, आप मैं नींबू को अच्छी तरह से रस इसमें निकाल दूँगी। तो नींबू का रस निकाल दिया। 1 चम्मच शक्कर मैं ले रही हूँ और इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब आप सोच रहे होगे रुचि क्या नींबू पानी बना रही है? नहीं, इसका बेसिक चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए, मैंने मिक्स कर दिए चीनी को। और अब मैं ले रही हूँ हींग, मेरे ख्याल से 1/2 चम्मच होगी हींग, ये डाल दी है। और इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हींग पूरी तरह से तो मिक्स नहीं हो पाती, मगर मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। और क्योंकि हींग जो है हमारे पेट को फ़ायदा भी करती है, और बेसन है तो बेसन गैस ना बनाए, इसलिए पेट में तकलीफ़ ना हो, इसलिए हींग डाल रही हूँ मैं। या आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। अब बेसन में मैंने लिया है 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि नमक भी हमें ऐड करना है। बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, क्योंकि नमक के बिना तो हमारा ढोकला तैयार ही नहीं होगा। तो लगभग मेरा 2 से 2.5 कटोरी बेसन है, और मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ, कम से कम नहीं तो 10-12 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने बेसन लिया है। और धीरे धीरे ये पानी जो मैंने बनाया था उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, धीमे धीमे करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे, ताकि लम्स ना हो, गुठलियाँ ना हो। अगर गुठलियाँ होंगी तो आपका जो बेसन है, ढोकला है, जो अच्छी तरह से नहीं तैयार हो पाएगा। तो ये देखिए, अभी तो बहुत गाढ़ा है, बहुत बैटर है इसका। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी को ऐड करते जाएंगे उसी पानी को, और इसको मिक्सचर को मिक्स करते जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। जितनी अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे, उतना ही अच्छा आपका ढोकला बनेगा। कुछ टिप्स हैं, इसको याद रखिए, आपका ढोकला बहुत परफेक्ट बनेगा। और बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो घर में चीज़ें होती है ना, बस उसी चीज़ें से बनता है ढोकला, और कोई भी झंझट वाला काम नहीं है। तो देखिए, धीरे धीरे मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसको देखती जा रही हूँ कितना हमें इसको पतला चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह का बैटर होना चाहिए, जिस तरह का मेरा बैटर है, ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। ना ज़्यादा थिक है, ना ही ज़्यादा लिक्विड है, फॉर्म में है। तो इस तरह का अगर आपका बैटर तैयार हो जाता है तो परफेक्ट है। तो अब हम इस बैटर को बहुत अच्छी तरह से रख देंगे, कम से कम नहीं तो 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। जब तक हमारा बैटर रेस्ट करता है, तब तक बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि वॉश कर लेते हैं, टाइम अपना यूटिलाइज़ करें। मैं ऐसे ही काम करती हूँ, अगर चाय चढ़ा दी है तो मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, या कोई भी अदर काम कर लेती हूँ। इस तरह से 2 काम एक साथ हो जाते हैं और टाइम भी मेरा बचता है, सेविंग होती है टाइम की। तो आप देख सकते हो कि फटाफट मैं बर्तन मांजूंगी। बर्तन बहुत सारे थे क्योंकि लंच के थे, और शाम के मेरे ख्याल से 5 बज रहा होगा, 5 बजे मैंने बैटर को मिक्स करके रख दिया है। तो इसी तरह से मैं काम करती हूँ। 1/2 घंटे बाद ही हमें उसे देखना है। गर्मियाँ हैं तो 1/2 घंटे इनफ है टाइम, नहीं तो आप सर्दियों में बना रहे हो तो 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटा, क्योंकि सर्दियों में जो होता है खमीर तक देरी से है, और गर्मियों में बहुत जल्दी खमीर जाता है। तो इसीलिए हमें टाइम का थोड़ा से ध्यान रखना है। तो हमारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा इसकी चटनी बना लेते हैं। तो ये देखिए, चटनी में मैंने हरी धनिया, हरा मिर्चा डाला था, और वही पानी जो बचा था वही पानी डालेंगे। ये पानी बहुत काम का है, ये याद रखिएगा, इसको फेंकिएगा नहीं। अगर बच जाता है, नहीं बचता है, तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने जो है चटनी पीस ली है, और एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने पानी डाल रखा है, उसमें एक छोटी सी प्लेट डाल दी है, इस तरह से आप देख सकते हो। पानी ज़्यादा नहीं है, ताकि हमारा जो
बाउल है वो अंदर तक डूबे नहीं और प्लेट के पे रहे, तो बहुत आराम से सेट हो जाए हमारा ढोकला। तो ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया, आधे घंटे हो गए हैं और ये देखिए बढ़िया से हो गया है। तो अब हम इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि दो तीन बैच में मुझे बनाना है, क्योंकि ज़्यादा मैंने बैटर बनाया था तो एक साथ ही बना लिया था। तो ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैंने उसको अलग कर दिया। अब हमें मेन चीज़ लेनी है इनो, और एक पैकेट ले रही हूँ और आप देख सकते हो। उसके बाद इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी, जैसे ही हम डालेंगे वैसे ही इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ये याद रखिएगा। अगर आप मिक्स अच्छी तरह से नहीं करोगे ना तो ये कहीं आपको अलग सा स्वाद देगा और कहीं अजीब सा स्वाद देगा। तो मिक्स करना है, और मिक्स करते ही देखिए इसका जो साइज़ था डबल हो गया है बैटर का, आप देख सकते हो इस फॉर्मेट हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। और अब हमें इसे जो स्टीम वाला कढ़ाई थी उसमें इस तरह से रख देना है। ये देखिए मैं किस तरह से रख रही हूँ, उस तरह से आपको रख देना है। और इसको जो है अब हम एक थाली से ढक देंगे, ये देखिए बहुत इजी फॉर्म है। अब हम इसको ढक देंगे और इसको स्टीम होने तक के इंतज़ार करेंगे। तो मेरी गैस बहुत ही धीमी है, बहुत तेज़ नहीं है, बहुत धीमी नहीं, मीडियम है। हमें इस तरह से रखना है और वेट करना है। तो अभी मैंने जो है उसको बॉयल करने के लिए, मतलब स्टीम होने के लिए रख दिया है ढोकले को। और जब ढोकला हमारा स्टीम हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से, तब हम लोग उसको निकालेंगे। आई होप कि अच्छी तरह से वो निकल आए। बहुत दिनों बाद मैं भी बना रही हूँ ढोकला। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे ना और ईजी लगे ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं कि हमारा जो है ढोकला तैयार हुआ है कि नहीं। तो चलिए ये देखिए हमारा ढोकला अच्छी तरह से हो गया है, और चेक करते हैं। ये देखिए हमारा नाइफ एकदम क्लीन आ रहा है, इसका मतलब हमारा ढोकला तैयार हो गया। अगर आपका नाइफ क्लीन नहीं आता है तो 10 से 5 मिनट और स्टीम दे दीजिएगा, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो अब हम साइड से इस तरह से कर लेंगे ताकि हमारा ढोकला जो है अच्छी तरह से निकल आए प्लेट में। तो चलिए आई होप बहुत अच्छी तरह से निकला है। इस तरह से हमें रखना है और बैक के हिस्से पे टैप करना है बहुत अच्छी तरह से, ये याद रखिएगा। अच्छी तरह से हल्के हाथ से कीजिएगा, बहुत कस कस के मत मारिएगा और आराम से निकल आएगा। चलिए ये देखिए निकल आया, थोड़ा से हल्का से वो हो गया है साइड से, मगर परफेक्ट निकला है, इतना स्पंजी बना है, आपने खुद देखा है। और इसका करते हैं तड़का तैयार। तो ऑयल ले लिया है मैंने, उसमें मैंने सरसों डाल दी है, राई जिसे कहते हैं, राई डाल दी है। उसके बाद मैंने हरे मिर्ची को स्लाइड कर दिया है बीच से। तो अब हमें मेन चीज़ डालनी है, जो हमारा पानी बचा था नींबू शक्कर और हींग वाला, वो डाल देंगे। और थोड़ी सी शक्कर इसमें ऐड भी करेंगे इस पानी में, ये याद रखिएगा। तो अब हम चलिए ढोकले को पीसेस में कट कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए थे, ठंडा हो गया था, ठंडा होने के बाद ही कट कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टूटने लगेगा, क्योंकि गर्म होता है तो अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ी देर बाद कीजिएगा। तो ये देखिए मैं ढोकले को काट रही हूँ पीसेस में, और सिंपल तरीके से मैं उन्हें बनाया है। बहुत दिनों बाद मैंने आज ढोकला बनाया, सालों बाद जिसे कहते हैं। तो चलिए तड़का डालते हैं इसके ऊपर, और शक्कर ज़रूर ऐड कर लीजिएगा हल्की सी, क्योंकि उस पहले वाले पानी में शक्कर कम होती है, और थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे ना तो और भी टेस्ट इन्हांस हो के आएगा बिल्कुल बाहर की तरह। ये टिप मैं आपको बता दे रही हूँ, हर कोई नहीं बताता है। तो इस तरह से मुझे जो है तड़के में लगा देना है, और आप देख सकते हो कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। आपका भी मन हो रहा है ना खाने के लिए, खाने का, तो प्लीज़ चाहिए और इसकी रेसिपी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और ये देखिए हमारा तैयार हो गया। अच्छी तरह से हमें पानी डालना है, वो जो मैंने छौके वाला था। और ये है चटनी। अच्छा, चटनी मैंने हरी धनिया हरे मिर्ची की पीसी थी, साथ में थोड़ा से सूखा ढोकला मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और ग्राइंडर फिर से चला दिया था, तो उससे बिल्कुल भी परफेक्ट आपकी बाहर वाली चटनी बनेगी ढोकले वाली, ये याद रखिएगा। ये ज़रूर करना पड़ेगा आपको चटनी में, नहीं तो स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा बाहर की तरह। तो ये देखिए मैंने सर्व कर दिया है, और यहाँ पर कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। आकाश बैठा हुआ है और तेजस बैठा हुआ है, हेलो बोल रहा था,
क्योंकि कूलर की आवाज़ में बिल्कुल भी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर करा है। चलिए पूछते हैं इन लोगों से कैसा बना है टेस्ट, इन लोग को कैसा लगा है। आकाश और आशीष तो आ रहा है बेर मुंह में नाम, आशीष आया नहीं है, आकाश आया है ढोकला खाने। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा है, चलिए आप भी सुन लीजिए। एकदम मस्त है, मज़ा आ गई, हमारे खाने में तो कोई दिक्कत। एक और दे पीस हैं दे। तो थोड़ा से ढोकला मैंने जो है पैक कर दिया है, साथ में चटनी भी दे दी है, और ये जा रहा है आशीष के लिए क्योंकि आशीष का फ़ोन आया था मेरे पास। तो आकाश बैठा हुआ है और ये मैंने पैक कर दिया है आशीष के लिए, थोड़ा से इसको लेते जाना। अच्छा बाय कर रहे हो, और बिस्तर की हालत तेजस तुमने क्या की, ये प्लो कवर भी उतार दिया है तेजस, मतलब कि पूरा बेडशीट है शीट पूरा, मतलब कि बिल्कुल एकदम सुंदर सा बना के रखे हुए हो। अच्छा बिल्कुल जैसा लग रहा है कि क्या बताएं तुम्हें हम। तो फ्रेंड्स मैंने जो है दीदी और आशीष के लिए पैक कर दिया है क्योंकि आशीष का फ़ोन आया था कि मौसी मेरे लिए भी ढोकला भेज देना, तो बस आकाश लेके जा रहा था। तो फिर आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर देखिए मैं दोबारा ढोकला लाई हूँ दूसरे बैच का बना के, तीसरे बैच में बनाकर, और ये मैं लेके आई हूँ हस्बैंड के लिए, और मेन एग्ज़ाम अब मेरा पास होगा कि कैसा बना है। तो चलिए कैसा होना है, कस के बोलिए। ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है हमको डांट रहे हो, बढ़िया हो रहा है। तो चलिए इनको पसंद आया कि मेरे लिए मेहनत सफल हुई है, और मैं भी अभी जा रही हूँ खाने, मैंने नहीं खाया है, 2 से 3 बार मैं बना चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ फाइनली खाने। तो अब मैं जा रही हूँ ढोकला को टेस्ट करने कि कैसा मैंने बनाया है। बहुत बढ़िया, पहले बता दे रहा है। टेस्ट एकदम परफेक्ट बनाया, बढ़िया बाहर की तरह, और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी है, अगर आपको पसंद आए ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बना है, बिल्कुल बाहर के तले, और स्पंजी देखते हो आप, खुद देख सकते हो। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो पसंद आई हो ना तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं चीज़ बोलूँ ना, एकदम परफेक्ट बना है। थैंक यू। तो मैं खा रही हूँ ढोकला, अपना एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ढोकला खाने के बाद हम आ गए थे डिनर बनाने, तो फटाफट मैंने रोटियाँ बना ली थी और दिन की सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि वही काम आ जाएंगी, रोटियाँ बना लेते हैं क्योंकि ढोकला वैसे ही खा लिया था तो पेट भरा था, थोड़ी सी रोटियाँ बनाई थी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, पसंद आया, तो मैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।